गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी नई सीरीज ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब, अब बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं फिर एक नई वीडियो में लेके, स्वागत है। और चलते हैं लेके, सड़क पे निकल गए हैं और बहुत दिन बाद बन रही है ब्लॉग। तो फिर थोड़ा सा बोलने में एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरह से बोल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए माघ मेला का क्या है अपडेट, और देखिए हम चल रहे हैं माघ मेला की ओर। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो रख रहा है, कैंप वगैरह लग रहे हैं, शिविर वगैरह। और इस तरफ से बड़ी खूबसूरत सड़क पे देख लीजिए। का एक्सेस शाम का टाइम है, क्या आप एक्सेस कर पाते हो। ये देखिए माघ मेला को लेके क्या अपडेट है। और ये देखिए तैयारियां चालू हो चुकी हैं। ये देखिए सारा व्यवस्था हो रहे हैं मेला को लेकर। माघ मेला चालू हो गया है, ये देखिए माघ मेला का तैयारी। ये देखिए सड़क पे आपको इस तरह का से मिलेगा, और देखिए इस तरह का कुछ है। यहाँ से इस साइड से लोग चले जाते हैं झूसी, वाराणसी की तरफ रूट चली जाती है। और ये देखिए सड़क है, वाराणसी की तरफ चले जाएगी झूसी होते। और ये है आलोपी बाग परेड ग्राउंड, जहाँ परेड होता है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरफ से दोनों साइड से दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। इस तरह से आप आएंगे तो यहाँ पर अगल बगल देखिए इस तरह के झोपड़ी में सामान वगैरह आपको मिल जाएंगे, खाने पीने के सामान, उसके बाद पहनने का खिलौना वगैरह यहाँ पे लगे मिल जाएंगे किनारे किनारे। और बस स्टैंड भी है, यहाँ पे बस लगती है प्राइवेट टूरिज्म वाली। ये देखिए साड़े चल जाते हैं दारागंज साइड से, आगे चलिए फिर। और इस तरह के और भी दिखाते हैं आपको, और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर आपको थोड़ा अच्छा ना लगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस, फिर हम सुधार करेंगे। माइक वगैरह हम तो छोड़ चुके थे घर नहीं है। ये देखिए गजब का और गाड़ी ये देखिए जा रही है। हम तो लड़का लेके कैसे कर पाएंगे यार सब चीज। पैदल बेटा चलो, पहले कुछ भी नहीं था गाड़ में, ये पूरा सड़क भर गया था ऊपर तक। और ये देखिए नजारा, और ये देखिए तुम नहीं कह सकते इसको, बोलते हैं माघ मेला। माघ मेला की तैयारी चालू हो गया है, बनाई जा रही है पुलिस कैंप है। और ये सब सारा दोस्तों कैसा लग रहा है, ये देखिए माघ मेला की तैयारी हो रखा है बगल में। ले चलो ऐसे ही, ये सारे कुछ ऐसे रेलवे पुल जो डबल काम हो रहा है, डबलिंग का। और ये देखिए पुलिस का, ये देखिए क्या शानदार। और सब 15 दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन माघ मेला का तैयारी है जो जोरों शोरों से हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ देखिए सब कुछ तैयार हो रहा है, पुलिस कैंप है ये, प्रयागराज प्राधिकरण नगर निगम द्वारा पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, ये सारा कुछ। तो मेला यहाँ पे सालों भर निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था होती है, तो काफ़ी ये कुछ अलग बनाता है। और मेला तो स्टार्ट होने में
होने वाला है और तैयारियां जोरों शुरू से है। अगर यहाँ पे आएंगे तो आप भूखे खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। यहाँ पे है कि कैसा बड़े हनुमान जी का मंदिर यहाँ है, वो देखिए बड़े हनुमान जी का मंदिर आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ, या उसके जस्ट पीछे पड़ा होगा, उसके जस्ट पीछे चलेंगे लेके मेला का। देखिए सारा कुछ बैग, ये बैकग्राउंड में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और इस तरह का है कुछ। मुर्दा यहाँ कहाँ पड़ेगा, और लाश वही जलती है। देखिए वो क्षेत्र है लाश का भूसी पुल जो जलती है। नहीं नहीं नहीं, वो लाश नहीं जल रहा है, वो मेला का तैयारी हो रहा है, वो सड़क जाने के लिए। वो देखिए पुल, झूसी पुल, उसके नीचे ये जो बन रहा है पैदल के लिए, ये यमुना पुल बन रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, ये मेला का तैयारी। बाढ़ के वजह से इस साल कुछ ज़्यादा ही बाढ़ आ गया था, और बाढ़ के वजह से देखिए क्या हालात हो रखे हैं, ये पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है, और ये उसी की वजह से सड़क ये खुनाई जा रही है, और ये सारे खम्भे बह गए थे, उसी खम्भे को फिर रिनिवल करा जा रहा है। ये खम्भे देखिए लग रहे हैं माघ मेला की तैयारी के लिए, और ये बेरिंग वगैरह ये सब सारे ये सब हो रख रहा है। यह है कुछ व्यूज हो रहा है यहाँ पे, सारा कुछ व्यवस्था ये देखिए। यहाँ पर टैंक को लाया गया है पानी में डालने के लिए ताकि पुल बन जाए। सेतु का निर्माण हो रहा है, अरे ये वो है पानी में रहता है ये देखिए टैंकर। सेतु के निर्माण के लिए ये टैंक आ रहा है, और ये देखिए इसी टैंक के मदद से यमुना झूसी का ये पुल है संगम का, ये जो बीच तट गंगा पुल तक जाएगा, अनुमति है नहीं किसी को जाने की, और ये गंगा का पुल बन रहा है जो गंगा जाएगा आधे से। इधर की जो गंगा, इधर की जो सेतु है वो यमुना का है, और उस साइड में जो बीच वो जो धारा दिख रही है वो ये जो धारा जो है बीच से उस साइड में वो गंगा है, और इस साइड का यमुना। तो इसीलिए ये सेतु का निर्माण हो रहा है, और सेतु ये देखिए किस तरह का है। शाम का 6 बजे हैं, और अब हम डायरेक्ट ले चलते हैं यहाँ पे भोजन की तरफ। अगर आप आएंगे यहाँ तो भोजन की व्यवस्था, आप अगर आप पास कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था निःशुल्क है। और इस तरह से हैं लोग जो आए हैं यहाँ घूमने। ए पूनो में उधर ना जाओ यार, देखिए ये लोग को जाने की अनुमति नहीं है। अरे उधर जा नहीं सकती हो, कोई नहीं कहाँ, वो तैयारी हो रहा ना, काम चल रहा है इस पे सेतु का। तो एक देखिए वो सेतु बन रहा है, और एक ये सेतु। चलिए डायरेक्ट अब हम आपको ले चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, हम आपको अब ले चलते हैं निःशुल्क भंडारा जहाँ होता है वहाँ पे। चलिए चलते हैं, ये देखिए हम जल भरने आए हैं, ये यमुना तट है। लाश उस साइड जल रही है, वहाँ जो जल रही है उस पार, और हम यमुना तट पे आए हैं। जा ना जाओ फिर जल भरो, और यहाँ नहाने का व्यवस्था होता है। ये अंकल जी नहाने जा रहे हैं, और ये जल भर रहे हैं हम लोग। क्या देखें हम तुमको देखें, उसको किसना बुलाओ, आ बेटा जल भरा का व्यवस्था हो रहा है। ये
मुद्रुल जल जल ले ओ, जल जल का अब जल लेंगे। ये देखिए इतना ही पानी है। अरे वो सेम वही है, डूब जाओगे फर्जी में भीग जाना फिर। ये देखिए इस तरह से भर लियो। वो देखिए चांद निकला हुआ है आसमान में, चुम्मा को छोड़ के ते सितारे दिल गया तोड़ के। वही लोग रो रहे ना, ना? चुम्मा पागल है। अरे ले लो भर लो ना, ठीक है घर में ही जाना है। ओम पवित्रायन पवित्रायन नमः, ओम गंगा पताये नमः। अरे यार हम तो उल्टा काम कर रहे हैं आगे का। अरे थोड़ा आराम से आना चाहिए। ये इसके हो जाएगा बिग इसके। अभी आप आओगे कहेंगे ये लो फूल डाल दो माला और ये वगैरह ले लो चंदन, और उसके बाद पैसा निकाल दो 500 1000। अब फूल छोड़ो, फूल बटोरो और पैसा डालो। ये है बिग इसके। चलिए तो पहुँचते हैं वहीं पे, दिखाते हैं उस प्रॉपर्टी पहुँच के वीडियो बनाते हैं वहीं पे। चलिए लेट्स गो। ये अरे ले लीजिए ना, ये भैया यहाँ पर आएंगे तो आप काफी सतर्क रहे, अगर पैसा हो फूल फाल लेने की इच्छा तो ले लीजिए, वरना आपको अगर दिया जाए तो आप लेंगे तो भैया 10 20 50 100 आपका खाली हो जाएगा जेब। तो यही है हाल, फूल लीजिए गंगा जल लीजिए और उसके बाद दूध लीजिए बहाइए और पैसा दीजिए, यही है स्कैम यहाँ का। चलो और अब हम चल रहे हैं खाने की तरफ। तो चलिए देखिए क्या है व्यवस्था हो रही कि नहीं है माघ मेला की। अभी तो पूछ चल रहा है उसके बाद माघ, तो पहुँचते वहीं पे। हाँ सरस्वती घाट सच में आए थे ओरिजिनल राम, तभी तो ये प्रसिद्ध है जगह। अरे तो क्या हो जाए ना, कुछ थोड़ी हो जाए। अरे अब जाना कहीं नहीं, घूम रहे हैं और क्या। अब ये चल दे राम कहानी सुनो है, राम कहानी सुनो है, राम कहानी सुनो सुनो सुना रहा है बेटा, गाओ थोड़ा। फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, आप निःशुल्क भोजन के था भैया जी, दाल भात। यहाँ पे सफलतम चार सपूर्ण होने पर आपका हार्दिक स्वागत है, 4 वर्ष पूर्ण होने का हार्दिक स्वागत। और ये देखिए 2025 में होने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है भैया जी, दाल भात। और एक वहाँ भी मतलब यहाँ पे जगह जगह पे भोजन होता है। ये देखिए ये जी ये देखिए भंडारा की व्यवस्था यहाँ भंडारा हो रहा है।
क्या भैया जी डाइवर सफलतन 4 वर्ष पूरा होने का पहाड़ स्वागत है। 4 वर्ष पूरा हो चुका है और ये व्यवस्था निःशुल्क भोजन का व्यवस्था कार्यालय और एक वहाँ पे है जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद। अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस। थैंक यू फॉर वाचिंग भाई। निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था और ये देखिए लाइन में लाइन लगा हुआ है, ये देखिए दाल है, चावल है, कढ़ी है और बुंदिया का बुंदिया है, ये देखिए।